असेंबली की लोडिंग शामिल है और इसके बाद इसमें आवरण उप असेंबली और ईंधन उप असेंबली भी शामिल होता है जो कि बिजली को उत्पन्न करेंगी। भारत ने सीमित ईंधन चक्र के साथ 3 चरणों वाला ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अपनाया है। PFBR में परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को चिन्हित करते हुए पहले चरण से उपयोग किए गए ईंधन को पुनः संसाधित किया जाता है और FBR में ईंधन के रूप में उपयोग भी किया जाता है। इस सोडियम कूल्ड PFBR की एक खास विशेषता यह भी है कि यह खपत से अधिक ईंधन का उत्पादन कर सकता है और इस प्रकार भविष्य के तेज रिएक्टरों के लिए ईंधन आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करता है। रिएक्टर से उत्पन्न न्यूनतम परमाणु अपशिष्ट और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ FBR ऊर्जा का सुरक्षित, कुशल और स्वच्छ स्रोत प्रदान करेंगी और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य में योगदान देंगी। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम के उपयोग की दिशा में यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके एक बार शुरू हो जाने के बाद भारत रूस के बाद फास्ट रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन करने वाला दूसरा देश होगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने कल पंकम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का दौरा किया और इसी दौरे की कुछ झलकियां आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि तमिलनाडु के कल्पक्कम में 500 मेगावाट क्षमता की भारतीय स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR की कोर लोडिंग की ये शुरुआत है और ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इस PFBR को भाविनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने विकसित किया है। इस रिएक्टर कोर में नियंत्रण उप असेंबली, आवरण उप असेंबली और ईंधन उप असेंबली शामिल है। मुख्य लोडिंग गतिविधि में रिएक्टर नियंत्रण उप असेंबली की लोडिंग शामिल है और इसके बाद इसमें आवरण उप असेंबली और ईंधन उप असेंबली शामिल होता है जो बिजली को उत्पन्न करेगा। भारत ने सीमित ईंधन चक्र के साथ 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अपनाया है। PFBR में परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को चिन्हित करते हुए पहले चरण से उपयोग किए गए ईंधन को पुनः संसाधित किया जाता है और FBR में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस सोडियम कूल्ड PFBR की एक खास विशेषता यह है कि यह खपत से अधिक ईंधन का उत्पादन कर सकता है और इस प्रकार भविष्य के तेज रिएक्टरों के लिए ईंधन आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करता है। तो तमिलनाडु का दौरा जिसमें प्रधानमंत्री पहले आज सुबह तेलंगाना में थे और उसके बाद तमिलनाडु के कल्पक्कम में ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के की दिशा में ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन करने वाला अब दूसरा देश बनेगा भारत। बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। तो जैसा कि
हम आपको बता रहे हैं कि भारत दूसरा देश बनने वाला है नाभिकीय ऊर्जा के इस क्षेत्र में, और सुरक्षा सुविधाओं के साथ साथ FBR ऊर्जा का सुरक्षित, कुशल और स्वच्छ स्रोत प्रदान करेगा ये उपकरण, और साथ ही शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य में योगदान भी देगा। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम के उपयोग की दिशा में ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। इसके एक बार शुरू हो जाने के बाद भारत रूस के बाद फास्ट रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन करने वाला अब दूसरा देश होगा। तो ये तस्वीरें आप तमिलनाडु के कल्पक्कम से देख रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक।